होते हैं उसमें यस और पी क्या है, ऑर्बिटल्स है। अब यस और पी ऑर्बिटल्स में ये यस होता है, ये पी होता है। इसमें कई सारी टाइप की दो तीन ओवरलैपिंग्स होती हैं। पहले तो ओवरलैपिंग बताऊंगा, तो ट्राई करूंगा कि कुछ एग्जांपल्स और हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर करूं, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करते ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना पड़ेगा। मैं एक बार ट्राई करूंगा कि बताऊं। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, दिस इज द p ऑर्बिटल। दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें था ये वाला, ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं ब्लू डॉट्स में, और ये p ऐसे बनता है, बट जनरली हम केमिस्ट्री में दिखाते हैं ऐसे ही है जैसे कि हमने दिखाया था, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। अब सबसे बड़ी बात तो ये जो थियरी है इसको बोलते हैं, इस ओवरलैपिंग की थियरी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। एक मिनट देना मुझे, इसको बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या किसी ने वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी है? यस सर, पढ़ी तो थी। ओके, तो सबसे बड़ी बात तो इस थ्योरी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज्यादा तक अंदर ही आ सकता, और आपकी आज मे बी आज एक क्लास है, अगर मैं फ्री रहूंगा तो आज एक क्लास होगी केमिकल बॉन्डिंग की, तो आई शेयर यू द टाइमिंग, और 11 12 दोनों की हो जाएगी, ठीक है? तो आई शेयर यू टाइमिंग, और 1 बजे के आसपास मे बी 1 बजे हो सकती है, आई शेयर यू, ठीक है सर? 1 बजे तो है ना, मेरी छोटे भाई बहन की क्लास आती है, 7th 8th की क्लास आती है ना, 1 से आज 1:20 तक। देखते हैं, शाम को 3 बजे फ्री हो ना? यस सर। देखते हैं फिर, देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, पहले तो ये जानो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। अगर आप इसको थोड़ा सा 2-4 पॉइंट में बताऊं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2-3 पॉइंट्स आपको कंसिडर होने चाहिए, जैसे कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर इन द ओवरलैपिंग, ओनली अनपेयर्ड, ये 2-3 पॉइंट रखना है, इतने ही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लिखा होगा बहुत कुछ, आप इतना याद रखना बस, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर इन ओवरलैपिंग, दूसरा मोर द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फाइंड। मैं समझा दूंगा, जैसे मैं चलो, मोर द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फॉर्म। Third point is that if orbital are different which overlap, if orbitals are different which are going to overlap, which are going to overlap, then the bonds are different, then the bond character will be different. सबसे बड़ी बात तो ओवरलैपिंग करते क्यों है, क्योंकि बॉन्ड्स बनाने के लिए करते हैं। अगर बॉन्ड्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन से पेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब होते हैं उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, अपने स्टेबिलिटी को पूरी करनी होती है, तो उसमें हम बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि हमें ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, या ऑक्टेट, या फिर कह सकते हो
कि उसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हम बॉन्डिंग का सहारा लेते हैं और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं। आपको बार बार बताया है कि एक बॉन्ड अगर बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अंदर, और इस वजह से हमारी बॉन्डिंग भी, बॉन्डिंग का जो पर्पस है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना है और उसी तरह से उसके ऑक्टेट को कैसे ना कैसे कंप्लीट करना है। आपको बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो बॉन्डिंग उसलिए करते हैं, तो उसमें उस बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं। अगर ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग बताऊंगा अभी क्या होता, कैसे दिखाते हैं ओवरलैपिंग शो करते हैं, लेकिन पहले एक बार देख लो कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है। पहली बात तो यस एस ओवरलैपिंग होती है, यस पी ओवरलैपिंग होती है, और पी पी ओवरलैपिंग होती है जनरली। ठीक है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके अंदर एस एस, पहली बात तो यस जान लो कि कैसा होता है, फिर आपको पता चल जाएगा। यस का जो ऑर्बिटल होता है वो ऐसा होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, क्यों होता है पी ऑर्बिटल, एक यस एस होती है, एक यस पी होती है, एक पी पी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो तीन टाइप की ओवरलैपिंग, जब यस यस होगी तो यस वाले हिस्सा लेंगे, पी वाली होगी तो पी वाले हिस्सा लेंगे। जब यस वाली होती है यस एस, तो ये होती है यस और ये ऐसे बनती है, सॉरी यस एस जो होता है वो सर्कल ज्यादा बनता है। थोड़ा सा इनसाइड कर सकते हो इसको, आपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर लेंगे। जब यस पी होता है तो एक सर्कल होता है, दूसरा भी पी होता है, यहाँ पर यस पी। बात समझ में आई? यस सर। और जब पी पी होता है, अच्छा यस और पी जब होता है तो यस और पी तीन तरीके से हो सकता है, क्योंकि पी पी में तीन ऑर्बिटल होने का रीजन क्या है, क्या कोई बता सकता है? कैसे पी में तीन ऑर्बिटल होने के रीजंस क्या हैं? छह इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, कोई दिक्कत? ये जो बॉन्ड है एक्स एक्सिस पे भी बन सकता है, यस और पी एक्स का, यस और पी का बॉन्ड अगर एक्स एक्सिस बनेगा तो उसको बोलेंगे यस पी एक्स बॉन्ड। अगर यही बॉन्ड वाई एक्सिस के अंदर बनेगा एस और पी के बीच में, इसको बोलेंगे एस पी वाई बॉन्ड। जब यही बॉन्ड जेड एक्सिस पे बनेगा इसको बोलेंगे एस पी जेड बॉन्ड। बेटा अगर समझोगे, कुछ नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, थोड़ी बहुत चीजें हैं वो समझ आ जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस एप्लीकेशंस पता होने चाहिए कि कहाँ यूज हो रहा है, कैसे इसको हम यूज कर रहे हैं। यस पी एक्स, यस पी वाई और यस पी जेड, तीनों ही चीजें यहाँ पर आ गई। अगर मैं एग्जांपल लूं, अच्छा पी पी ओवरलैपिंग के भी दो तीन टाइप, दो टाइप्स होते हैं, लेकिन पहले अगर मैं एग्जांपल ले लूं यस एस ओवरलैपिंग का, तो क्या कोई एग्जांपल बता सकता है यस एस ओवरलैपिंग का जहां पर एस ऑर्बिटल ही भाग ले रहा हो? हाइड्रोजन और हीलियम वाले में। हाइड्रोजन और हीलियम नहीं, हीलियम तो बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन है एच टू। H2 में हाइड्रोजन के पास भी 1s1 है और इसके पास भी 1s1, दोनों में ही s ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं जब बॉन्ड बनता है। तो इसी रीजन की वजह से जब HH बॉन्ड बनता है, इसमें कैसे बॉन्ड बनता है बता दूं, पहली बात तो ये 1s1 होगा और ये 1s1 होगा, ये H होगा, ये H होगा, दोनों ही एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा ले लेगा, इसका 1s2 कंप्लीट हो जाएगा और इसका 1s0 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, मैंने बताया है तो कुछ ना हो और या तो कंप्लीट हो, बताया हुआ है? अच्छा आपको नहीं बताया हुआ है, या तो जीरो इलेक्ट्रॉन्स हो या हाफ फिल्ड हो और या तो फुल फिल्ड हो, ये है ऑर्बिटल्स की conditions। हाफ फिल्ड तो थोड़ा बहुत कम स्टेबल होता है, फुल फिल्ड पूरा स्टेबल होता है। तो या तो जीरो इलेक्ट्रॉन हो जाए उस ऑर्बिटल में, यानी कि ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट कर दे तब भी अच्छी बात है, या फुल फिल्ड हो जाए या पूरा पूरा भर जाए तब भी अच्छा है, और या हाफ फिल्ड हो जाए मतलब कि आधा भरा हुआ हो तब भी अच्छा है। तो तीनों ही चीजें इसमें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। यस बेटा,
हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और जीरो इलेक्ट्रॉन तीनों ही चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि यहाँ पर 1s0 और यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, और इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो यस और यस के बीच में, उसको हम दिखाने के लिए ऐसे शो करेंगे। प्लीज इसको याद रखना जरूर, अगर ये कभी भी अब ये पूछा जाए, कभी भी समझाया जाए, तो आपको कितना तो एटलीस्ट पता ही हो, यस एस बॉन्ड कुछ ऐसे जो है बन जाएगा। ऐसे दूर दूर दिखाई पड़ रहा है लेकिन ये ऐसे ओवरलैप होता है, ओवरलैप का मतलब थोड़ा सा चिपका हुआ, तो आपको ये चीजें दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है बीच में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत। ये है 1s1 और ये भी है 1s1, और इससे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो न्यूक्लियस के बीच में बनता है ना, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर यस और पीएक्स बॉन्ड बन रहा है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यक्स पे बनता है ये वाला, यस पी वाई बन रहा है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई पे बनता है ये वाला, अगर यस पी जेड बन रहा है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड पे बनता है ये वाला। पहले तो आपको बता दूं कि एस पी एक्स के कोई एग्जाम्पल, अब जैसे एच एफ मॉलिक्यूल, एच एफ मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा 1s1, फ्लोरीन के पास 1s2, 2s2 और 2p5। यहां पर पांच इलेक्ट्रॉन p में है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन s में है, मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यहां पर शेयरिंग में हिस्सा लेगा और बॉन्ड बनाएगा। पहले तो हमने लुईस स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी समझा रखा है, अगर आपने आप में से सब लोगों ने बनाया हुआ हो तो मैंने वहां पर तीन इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर किया था और एक इलेक्ट्रॉन बगल लिख के, हाइड्रोजन अलग से लिख के, और इसका बॉन्ड कुछ ऐसा बनाया था। इस बार क्लियर भैया? ये तो समझ में आया होगा ना, एच एफ तो समझ में आया ना कैसे बनाया था लुईस स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और उसके बाद शेयरिंग से एक बॉन्ड बन गया और इसके बीच में बॉन्ड एच और एफ का था, दो इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे थे, तो वो था लुईस रिप्रेजेंटेशन। अभी जब बीएससी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कौन सी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स का शेप कैसा होता है, उन बॉन्ड्स का टाइप कैसा होता है, कैसे वो बॉन्ड डिसाइड होते हैं, तो वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब यस और पी ऑर्बिटल है, एक यस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, इसी वजह से इसका भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकता है और इसका भी छह इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकता है, और कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये देख लेते हैं। तो EH और F के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर 1s1 है तो एक यहाँ पर ऐसे बॉन्ड हो जाएगा, और बगल में P ऑर्बिटल है तो P ऑर्बिटल भी यहाँ पर एक तरीके से लग जाएगा, और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X पे ये हो रहा है तो इसे बोलेंगे इंटर यस पी एक्स बॉन्ड, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Y पे हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे यस पी वाई बॉन्ड, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z पे हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे एस पी जेड बॉन्ड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा ये डिटेल्ड में नहीं है, आपको बस जितनी चीजें बताई हैं इतनी चीजें ही हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपको इतना ही बताया ना तो आप आराम से लिख सकते हो, उसमें कितनी भी चीजें बना के लिख सकते हो, आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो ऐसी चीजें बना के लिख दो, कभी कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, आपको समझ लो सब कुछ पता है। तो यहाँ पर बेटा दूसरा पॉइंट लिखा, मोर द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फॉर्म। बेटा ये जो एरिया है ना, आपको पता है अगर अगर दो लोग हाथ मिला रहे हैं और हाथ अगर बड़े हैं और दोनों ही मिला रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके पास जो हाथ मिला, अगर मान लो हाथ मिला के बॉन्ड बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए, तो अगर हाथ बड़े हैं तो वहां पर बॉन्ड थोड़ा मजबूत बनेगा। अब अगर दो बच्चों के पंजे आप मिलवाओगे, उनके बॉन्ड बहुत छोटे हैं, जो हाथ होते हैं पंजे उनके, जो हाथ पाम होती है ना हथेली, दो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनकी पाम बहुत छोटी होती है, जब वो हाथ मिलाएंगे तो वहां पे बॉन्ड कमजोर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। दिखाने का मतलब यही है कि अगर अगर ये यस पी एक्स जो है, अगर जो ओवरलैप कर रहा है इसमें, अगर ये वाला जो एरिया है ओवरलैपिंग का, ये होगा ओवरलैपिंग का एरिया, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन का एरिया है, या जो जहां पर बॉन्ड क्या हो रहा है, दूसरे से पकड़ रहा है, अगर वो वाला एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छे से पकड़ेगा और ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। यहां पर हमने लिखा है
stronger bond will be formed. More the area of overlapping, stronger bond will be formed. Is that clear? Yes, sir. Okay. Agar overlapping ke liye, if orbitals are different which are going to overlap, then bond character will be different. अगर जो ओवरलैप करने वाले बॉन्ड्स हैं अगर वो डिफरेंट है, मान लो यस पी एक्स है तो वहां पर बॉन्ड करेक्टर कुछ और होगा, यस यस है तो वहां पर कुछ और होगा. तो ऑर्बिटल्स अगर डिफरेंट हैं जो ओवरलैप करने जा रहे हैं तो वहां पर जो बॉन्ड का करेक्टर होगा वो डिफरेंट होगा. कोई दिक्कत? नो सर. सबको समझ में आ गई? यस सर. ओके, राइट डाउन प्लीज. सर अगर जो आपने वो लास्ट वाला बताया, अगर है ना उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, अगर लास्ट वाई में हो रहा होता तब इसमें हो रहा होता पी ऑर्बिटल है ना उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी तो एस के अंदर को एक्स के अंदर था और जेड में होता तब लास्ट इलेक्ट्रॉन. एक्स वाई जेड तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्सिस पे हुआ. अभी मैंने आपको अभी पाई बॉन्ड नहीं बताया, पाई बॉन्ड बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कैसे वो बॉन्ड बनता है. लेकिन जब पी में खत्म हो रहा है तो यस पी यस पी बनेगा, उसको आप जनरली यस पी मानो. लेकिन एक्सिस डिपेंड करती है, अगर यस एक्सिस पे हो रहा है उसको यस पी एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस हो रहा है उसको यस पी वाई बोलेंगे, और जेड एक्सिस पे हो रहा है उसको यस पी जेड बोलेंगे. इसमें दिक्कत की बात नहीं है, तीनों ही बॉन्ड बन जाते हैं. लेकिन जो बॉन्ड मेनली बन रहा है यस पी, मतलब डंबल और सर्कल के बीच में, अगर आप ऐसे दिमाग लगाओ देसी लैंग्वेज में समझो तो डंबल और सर्कल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको एसपी बॉन्ड बोल रहे हैं, और जो सर्कल और सर्कल के बीच में बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं, सर्कल और सर्कल के बीच में उसको बोल रहे हैं एसएस बॉन्ड. और अगर डंबल और डंबल के बीच में हो जाए उसको बोलेंगे एसपी पीपी ओवरलैपिंग. यहां तक कोई दिक्कत? पीपी ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं बेटा कैसे बनती है, उसको भी टेंशन ना लो, मैं दिखा दूंगा. अभी तो एसपी ही दिखाइए. लिख लिया सबने या नहीं लिख लिया? कुछ दिखाना है? लिख लिया सर. सबने लिख लिया? यस सर. सुमेर यादव है? यस. बेटा कुछ क्या समझा आपके लेक्चर में? क्यों हम बताना चाहते हैं इसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नहीं नहीं वो तो ठीक है, जो तो मेरा छोटा सा भाई बता देगा, मैंने बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई है तो मैंने बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहा हूँ. क्यों बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश की है, आप कुछ भी बताओ इसमें अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग क्या होती है, क्यों होती है? बॉन्ड बनाने के लिए होती है ना? यस सर. बॉन्ड बनाने के लिए हमने एक बॉन्ड की थ्योरी पढ़ी जिसको हमने बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बॉन्ड की बैलेंसिंग के लिए ये थ्योरी यूज हुई. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हमने पॉइंट को डिस्कस किया कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड का करेक्टर क्या होता है, वो इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिसाइड होता है. जो आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है ना, वो भी इसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही डिसाइड होता है. आपको दिखाऊंगा, डबल बॉन्ड को क्यू पाई बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में क्यू दो पाई एक सिग्मा होते हैं, ये इसी बॉन्ड थ्योरी में मैं दिखाऊंगा. आज इसी बॉन्ड थ्योरी में बात कर रहा हूँ, उसमें दिक्कत की बात नहीं है. तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार लेक्चर देखना, जो जो चीजें नहीं समझ में आई लेक्चर देखना, फिर भी नहीं आया मेरे को बताना. ठीक है बेटा, मेरे को नहीं लगता मैं कुछ छोड़ के जाता हूँ, लेकिन फिर भी होती हैं कुछ चीजें. चलो अभी हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग के बारे में. यस पी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल बताना बेटा. कैसे? यस पी ओवरलैपिंग का कोई एग्जाम्पल बताना सर. एस पी का आप पीपी करा रहे हो? हाँ? आप तो सर पीपी ओवरलैपिंग करवा रहे हो. नहीं नहीं यस पी का बताना कोई एग्जांपल. यस पी का जो बताया है अभी मैंने, ये तो आपने बता दिया, दूसरा बताए. हाँ दूसरा बताओ. बेटा इट्स ऑब्वियस, एक में HF लिया हुआ है, आप HCl आराम से ले सकते हो. Cl में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन P के अंदर खत्म हुआ, आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 pp5 खत्म हो रहा है. पांचवा इलेक्ट्रॉन जो 3p5 सत्रहवां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में P के अंदर आ रहा है ना, 3p5. यस सर.
बेटा दिक्कत कहाँ आ रही है, आराम से HCl भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, H2O भी कह सकते हो। ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन हैं और इसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगे। अच्छा दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको दिमाग नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, मतलब H2O है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1s1 और हाइड्रोजन के पास 1s1, ये 1s1 और ये 1s1 अगर इससे रिएक्ट कर ले यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और उसे बोलेंगे sp ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग कुछ ऐसी बन जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा यहाँ पर ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यानी 1s 1s यूज हो रहे हैं और पी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, sp ओवरलैपिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो, क्योंकि p के इलेक्ट्रॉन्स और s के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और उसे हम आगे कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, pp ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग है अगर आप समझना चाहो तो। अच्छा, पीपी ओवरलैपिंग जो है, व्हेन वन पी एंड वन आर बोथ द P will be there in the bond, then it will be PP overlapping. अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, this is the PP overlapping. अगर PP overlapping है कहीं पे, इसका मतलब है PP overlapping में पहली बात तो दो बॉन्ड बन सकते हैं। एक बॉन्ड होता है head to head overlapping. दोनों बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लेना। Head to head, जब when two p orbitals overlap on their heads, then that will be head to head ओवरलैपिंग। उसके बाद दूसरा है साइड टू साइड ओवरलैपिंग के लिए बेटा, जब दो पी ऑर्बिटल, दोनों दिखा रहा हूं टेंशन मत लो, व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप to each other side by side, then this type of overlapping is called as PP overlapping. PP side to side overlapping. बेटा देखो, दो डंबल्स हैं, इनमें इनमें जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो ऐसे, ये होता है इसका हेड, एक हेड दो हेड, दोनों हो गए इसके हेड। अगर ये हेड के अकॉर्डिंगली ऐसे अगर ये कर रहे हैं रिएक्ट, तो यहां पर होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसे बोलेंगे हेड टू हेड। कैसे होता है मॉलिक्यूल के अंदर भी दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस राइट करो हेड टू हेड। अगर ये साइड टू साइड होता है, यानी कि ऐसे हो सकता है, थोड़ा बन नहीं पाया कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता है ये साइड टू साइड, अभी ये होगा साइड टू साइड ओवरलैपिंग। बेटा समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, मॉलिक्यूल देखोगे आराम से समझ आ जाएगा, अभी जब पूरा पूरा एक साथ बताऊंगा
समझ में आ जाएगा, एक मिनट रुको। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की। अगर ये हेड टू हेड होगा इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्यों बोलेंगे मैं बताऊंगा। ये जो ये साइड टू साइड होगा इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्यों बोलते हैं आई टेल यू। अब पहले तो हम बात करते हैं किसी एक पीपी ओवरलैपिंग के बारे में। तो एक पीपी ओवरलैपिंग जो है नॉर्मल ओवरलैपिंग, मान लो एक मॉलिक्यूल लिया मैंने एग्जाम्पल वन, दैट इज एफ टू मॉलिक्यूल। आपको पता है कि एक फ्लोरीन है, इसके पास तीन लोन पेयर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है। शायद मैंने मॉलिक्यूल बताया भी है, अगर आप किसी को दिक्कत नहीं है तो मैंने बताया जरूर है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, अगर ये चाहें तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। बॉन्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। अगर ये चाहें तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें और एफ और एफ के बीच में बॉन्ड बन जाए। अब अगर आपको ध्यान से देखो तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल के अंदर आता है? ये पी में। भैया अगर इसको आप कंजुगेट करके एक बार देखो तो 1s2 2s2 और 2p5 इसका कंजुगेशन होता है, और यहां पर भी 1s2 2s2 और 2p5 होता है, यानी कि इसके पास पीपी ओवरलैपिंग होगी। पहली बात तो अगर पीपी ओवरलैपिंग होगी मतलब कि इसका जो ये हेड टू हेड आराम से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि एक सिंगल बॉन्ड क्या करेगा यहाँ बन जाएगा और पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। किसी भी एक्सिस पे हो रही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ये रिएक्शन एक बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। ये यहाँ पर 2p5 रहेगा और यहाँ पर भी 2p5 रहेगा, 2p5 का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा ऐसे दिखाने के लिए। सॉरी हो गया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, जो हमने एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर यूज में लिया है वो वाला एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आए थे ना बॉन्ड के लिए, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बीबीटी के अंदर यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ ऐसे शो करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सेंटर पर आएंगे जहां पर ओवरलैप हो रहा है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर शो कर देंगे। आपको ऑलरेडी एटमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका ये वाला था, 1 2 3 4 5 ये वाला था ना, ये ऐसे फिल करते थे। कोई दिक्कत? नो सर। तो बेटा यहीं पे वैसे ही जो ये सिंगल बॉन्ड्स हैं यानी जो ये दो बॉन्ड है बीच के, इन दो बॉन्ड को ओवरलैपिंग के बीच में दिखाया गया है और दोनों ही बॉन्ड ओवरलैपिंग के सेंटर पर आ गए हैं, और अभी एक पीपी ओवरलैप का एक एग्जांपल हमने आपको दे दिया है। क्या कोई बच्चा कोई दूसरा एग्जांपल दे सकता है? Cl2। या एग्जैक्टली Cl2 कैन आल्सो बी दैट। Cl2 का स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना क्या होगा? यस Cl2 वाले सुमेर यादव। यस सर। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन? S2। बोलो बोलो। 2s2। 2p6। बोलो बोलो। बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं आता तो प्लीज क्लास में बताना, कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की यार। तो मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं पता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और अगर आप ध्यान से देख भी रहे हो तो मैं रोज बता रहा हूँ चीजें इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे। यार इलेक्ट्रॉन पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, हर दिन बताता हूँ मैं, बॉन्डिंग वगैरह थोड़ा बहुत चीजें बता ही देता हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस में। एक्स्ट्रा क्लासेस में मतलब अगर क्लास के बीच में चार चीजें बता रहा हूँ उसमें एक आठ चीज इलेक्ट्रॉन पे बात कर ही लेता हूँ कहीं ना कहीं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, कुछ ना कुछ तो बताता ही बताता हूँ। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन नहीं पता है क्लास 12 में? बेटा बहुत दिक्कत है, फिर बता रहा हूँ बहुत दिक्कत है अगर नहीं पढ़ रहे हो। अरे आप बताने का कोई रीजन नहीं है, अगर यार एक लाइन में बता रहा हूँ, हमसे पूछो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हमसे तुम एजी का पूछ लो, हमसे तुम अगर 70 का पूछ लो, मैं एक मिनट अगर नहीं बता चलेगा बताना, नहीं तुम देख लेना कॉपी में। बेटा
पढ़ने का तरीका होना चाहिए और पता होना चाहिए। अभी जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ के गए हैं एडमिक स्ट्रक्चर, उनसे पूछना, एक मिनट बता देंगे क्या होगा उसका, जाके पूछना। अगर नहीं बता देंगे क्लोरीन वगैरह का तो मुझे आके मिलना, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो बेटा एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो अगर नहीं आता तो, और जो नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं ट्राई करूं कि एडमिक स्ट्रक्चर फिर से पढ़ाऊं। ऐसे नहीं चलेगा यार, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो ये तो हो गया बेटा पीपीओ ओलंपिक। अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई पे हो रही है तो इसको हम बोलेंगे पी वाई पी वाई। अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स पे हो रही है तो पी एक्स पी एक्स। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड पे हो रही है तो पी जेड पी जेड। तो इसको हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको। अच्छा, अगर यही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता O2, तो बड़े जानकारी के लिए बताऊं यहां पर 1s2 2s2 2p4 है, यहां पर भी 1s2 2s2 2p4 है। क्या कोई बता सकता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सॉरी सर पाई। एक सिग्मा और एक पाई। बड़ा प्रीवियस क्लास में बताया एक सिग्मा और एक पाई। कोई बात नहीं, आज के बाद गलती मत करना, आज हो जाएगा ओवरलैपिंग तो प्लीज गलती मत करना। सिग्मा पाई क्या होता है यही पता चल जाएगा। अच्छा, अगर हम बॉन्ड को बनाते हैं इसके अंदर तो जैसे यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यहाँ पर भी चार इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब दिक्कत कुछ नहीं है, हमें सबसे पहली बात तो पी ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। और एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, याद रखना मेरे पॉइंट को, एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे पी का हमेशा एक बॉन्ड ही फॉर्म्ड होगा और वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो इस एक्सिस पे केवल एक बॉन्ड बन सकता है पी का और वो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जिस एक्सिस पे वो कंपाउंड का बॉन्ड बन रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसे हम न्यूक्लियस की एक्सिस बोलते हैं। मतलब इंटरन्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस जहां पर अटैच हो रहे हैं उसकी उसको हम उसकी एक्सिस बोलते हैं। अब अच्छा, यहां पर एक चीज और है, एक तो बन गया यानी कि 2p5 तो कवर हो गया है, लेकिन अभी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है यानी उसके लिए बॉन्ड बनाना जरूरी है या नहीं है? Yes, sir. तो दूसरा पीपी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा, यानी दूसरा पीपी ऑर्बिटल का भी बॉन्ड बनेगा। तो एक तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड हमने बना लिया है। अब हम चाहें तो इसी एक्सिस पे एक दूसरा पी लें और दूसरे इसी न्यूक्लियस पे एक दूसरा पी लें और इसी एक्सिस के थ्रू एक पी ऑर्बिटल हम वाई डायरेक्शन में लें और चाहें तो इसके बीच में भी बॉन्ड बना सकते हैं। और ये बॉन्ड आपका जो आपको दिखाया था मैंने हेड टू हेड और साइड टू साइड ओवरलैपिंग, वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग जो थी वो बेटा थोड़ा थोड़ा अटैच थी ना ऐसे, yes, दूर दूर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ऐसे हम यहाँ पे लाइन से दिखा देते हैं, ये बेटा बिल्कुल अटैच होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, बहुत अटैच होता है। तो ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल बन रहा है ग्रीन से, इसे हम बोलेंगे क्या, वाई एक्सिस पे बन रहा है और ये भी एक पीपी बॉन्ड है और ये साइड टू साइड बॉन्ड है। ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से बन रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अपोजिट बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। अच्छा, बना क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस तो भर गई और वाई एक्सिस खाली थी, तो उसने एक बॉन्ड और बना लिया, एक दूसरा पी ने फॉर्म है। अच्छा, एक बात और है, अब ये पी वेरिएट नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर एक न्यू एक्सिस ले लिया है आपने, अब दूसरा पी आप यहाँ पे ले लो, बेटा ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सिस जो होनी चाहिए वो दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो एक्सिस है वो सेंटर पे आ रही है और दूसरे में जो एक्सिस है वो भी अगर सेंटर पे आ रही है तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ ओवरलैप होनी चाहिए, यानी कि आप एक्सिस को भी डिफरेंट नहीं ले सकते हो। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको जेड एक्सिस भी लेनी है तो कोई बात नहीं, आप जेड एक्सिस भी ले सकते हो, लेकिन वो जेड एक्सिस जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन की होगी वो सिमिलर पी पर ही आएगी, एक ही जगह पे आएगी, यानी कि यहां पर ये वाई हो गया। अब अगर हम जेड को भी बनाना चाहें तो जेड को भी हम बना सकते हैं और कुछ ऐसा जेड भी बन जाएगा। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया यक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. बेटा अगर दो डबल, अगर एक डबल बॉन्ड बन रहा है किन्हीं दो के बीच में, मैं आज बहुत सारे मॉलिक्यूल बताने वाला हूँ,
अब अगर एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना है तो क्या कोई इसकी वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर को दिखा सकता है? बेटा मैं पहले दिखा दूं फिर दिखाना। अब यहां पर 1s2 2s2 2p5 है, ठीक है, सॉरी 2p3 है ना। दूसरे में 1s2 2s2 2p3 है। बेटा बच्चे शांत क्यों है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, हमें आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब पी पी आर बॉन्ड वही सिमिलर ही बनेगा, मैं बहुत 4-5 एग्जांपल 10 एग्जांपल दे दूंगा, आराम से समझ जाओगे। अब यहां पर क्या है बेटा, जो बॉन्ड है ना P3 और P3 के बीच में, यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए आपको 3 पी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल एक बॉन्ड तो बनाने जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर पे आ रहे हैं। मैंने बेटा यहां पर आपको एक चीज बताई हुई है, क्यों एक पी ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहा है, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन बना रहा है उसके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, जो ओवरलैप कर रहा है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। और आप जानते हो कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बीच में आने चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बीच में, मैंने बार बार बताया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। अब अगर यहां पर एक पीपी बॉन्ड बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सेंटर पे आ गए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए, यानी कि 2 पी ऑर्बिटल्स की और ज्यादा जरूरत है। अब अगर 2 पी ऑर्बिटल की और ज्यादा जरूरत है तो हम 2 पी ऑर्बिटल को दिखा सकते हैं, लेकिन पहले हम यक्स और यक्स के बीच में पी एक्स बनाएंगे। तो पहला बॉन्ड तो ये बन गया पी एक्स, दैट इज सिग्मा बॉन्ड ऑन द यक्स एक्सिस, ऑन एन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो इस एक्सिस पे बना है इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम वाई बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो पहला, अब हमारे पास 2p4 कवर हो चुका है। अब अगर हम अगला बॉन्ड बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, वेट करो बेटा। अगर हम चाहें तो अगला बॉन्ड बना सकते हैं और वो बॉन्ड हमारा इस तरह से बन जाएगा और यहां पर जो वाई एक्सिस पर फॉर्म होगा और वाई एक्सिस को लेते हुए हम इस बॉन्ड को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी यहां पर साइड टू साइड की एक ओवरलैपिंग आ चुकी है और हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p5 और 2p5 पर पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है? यस सर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर हो चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ऑलरेडी शेयर थे, तो यहां पर साइड टू साइड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो चुकी है। और यहां पर कितने सिग्मा और कितने पाई बन चुके हैं? एक सिग्मा और एक पाई। अभी हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा भी बॉन्ड बन सकता है और वो बॉन्ड भी हमारा साइड टू साइड ओवरलैपिंग के द्वारा ही बनेगा, क्योंकि एक बार में केवल एक ही में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है। आप अगर इसको करोगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है कि ये इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे और जाकर इस वाले के साथ, मतलब ये और ये हेड टू हेड मिल ही नहीं सकते हैं, वाई एक्सिस पे दोनों आएंगे। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है भी और वैसे भी। अब यहाँ पर अगर आप Z में भी बना लो तो Z में भी ये दिख जाएगा और Z में भी यहाँ पर साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि एक पाई बॉन्ड और आ गया है और अभी यहाँ पर 2p6 और 2p6 का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है, यानी कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं और नाइट्रोजन के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ एक 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अच्छा अभी मैं पूछूं कि इसमें कितने पाई और कितने सिग्मा है तो क्या बताओगे? इसमें अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? सर टोटल तो 3 सिग्मा है 3 पाई है। बेटा हाउ और डिड यू गेट दैट? एक ही ओवरलैपिंग हो रही है हेड टू हेड ना, तो एक ही ओवरलैपिंग हो रही है, मैंने बोला हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड एंड साइड टू साइड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। अब यहां पर आपको केवल ये देखना है कितनी हेड टू हेड इस मॉलिक्यूल में हो रही है और कितने पाई टू कितने साइड टू साइड इस मॉलिक्यूल में हो रही है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कितनी हो रही है? हेड टू हेड 1 हो रही है। बेटा यहां पर केवल एक ही हो रही है हेड टू हेड, इसीलिए यहां पर एक सिग्मा हो जाएगा। और साइड टू साइड की बात करूं तो ये वाला साइड टू साइड यहां पर देखो हो रही है ये वाली इसके साथ और दूसरी साइड टू साइड ये वाली हो रही है, मतलब कि 2 साइड टू साइड हो रही है, यानी कि 2 पाई होते हैं, यानी कि इसीलिए मैंने बार बार बोला है
उस दिन भी बताया था कि एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा होते हैं, एक डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और एक सिंगल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा ही होता है। क्या समझ में आ गया आज? यस सर। समझ में आ गया पक्का? यस सर। चलो अभी मैं कुछ कॉन्फिगरेशन सॉल्व लूंगा, कुछ कार्बन के स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसके लिए हमने इसको पढ़ा है, अब हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव कर रहे थे तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसको पढ़ा था। वैसे तो हाइब्रिडेशन भी बताना रह गया है, अगर आज 3 बजे क्लास होगी तो मैं हाइब्रिडेशन आज कंप्लीट कर दूंगा और स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन आई विल शेयर द टाइमिंग, ओके? अगर टाइमिंग शेयर करूं तो ज्वाइन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लिया, बना रहे हो या नहीं बना रहे हो आप लोग? करो, F2 तक तो बना लिया था। जल्दी बनाओ फिर बताते हैं आगे। सिर्फ ऊपर वाले बनाने हैं, लास्ट के स्ट्रक्चर ही बच रहे हैं बस। समझ में आया है ना? मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए ये। सर ये F2 का है ना एग्जांपल, उसके नीचे बस इतना रहने दो। राइट डाउन प्लीज। क्या बोला? क्या बोला उसने? सर हो गया, लास्ट वाला दिखा दो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। यस सर। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो क्या वो इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है? CH4 क्या इसका बना सकता है कोई? करते हैं सर।
बनाओ पहली बात की बताओ ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा होगा या पाई होगा ये वाला तो सिग्मा होगा क्योंकि हेड टू हेड है इसलिए सिग्मा होगा या एसपी में हेड टू हेड है सिग्मा होगा ये वाला बनाओ सर ये सारे एक्स एक्सिस में बन सकते हैं मैंने बना दिया मैं बताता हूँ एस एस फिर एस पी फिर एस पी फिर एस कोई दिक्कत No, sir. Sir, मतलब है ना एक एक्सिस में ना एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकता दो बनाए बेटा सर जैसे इस एक्स एक्सिस में एक ही साइड से हो गया और एक ही साइड से हो गया इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता नहीं हो सकता एक साइड में एक बॉन्ड एक एक्सिस के बाद कैसे बॉन्ड बने न्यूक्लियर एक्सिस तो सेम होनी चाहिए ना एक कंपाउंड के लिए यस सर मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए अब एक ही कार्बन है तो उसके लिए न्यूक्लियर एक्सिस तो सेम आएगी ना अब अगर CH3CH2 होता यहाँ पर डिफरेंट हो जाती क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई पाई बॉन्ड लगता तो यहाँ पर ऊपर भी हम लगा सकते अगर अच्छा यहाँ पर जरूरत पड़ती जेड एक्सिस की भी जेड एक्सिस को भी हम यूज कर सकते ऐसी बात नहीं है लेकिन एक्सिस सेम ही होनी चाहिए Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. है? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है. अगर मैं बताऊं कि CH3 का बनाना है क्या बना सकता है कोई Yes. बड़े 11 बजे फोन करो मेरे पास क्लास है बता दूंगा बेटा बना किसी का मैं बताता हूं पहली बार तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स अब बनेगा तो ये होगा पीपी ऑर्बिटल बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर आप अगर सही से देखो तो सबसे बड़ी बात तो कार्बन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ध्यान से समझना समझ जाओगे अब पीपी ऑर्बिटल कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है यानी कि पीपी क्यों बन रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन अपना बॉन्ड यूज कर रहा है 1s2 2s2 2p2 अगर इस वाले को यूज करोगे 1s2 2s2 2p2 तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पीपी के बीच में बनेगा यानी कि यहां पर एक एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा पहली बात तो अब यहां पर आपके पास दो साइड्स बन चुकी हैं अगर आप चाहो तो चाय लेना बस दो साइड्स बन चुकी हैं और दोनों साइड्स पे आप चाहो तो एक एक हाइड्रोजन को क्योंकि एक साइड पे यानी कि एक हेड पे आप दो एक हेड पे आप दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो तो आपने यहां पर तो इस वाली जगह पे क्या करवा दिया पीपी ओवरलैप करवा दिया मैंने कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया अब अगर आप चाहो तो यहां पर एक एक्सिस यूज कर सकते हो अगर वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना चाहे तो बना सकता है कोई बात नहीं यहां पर आपने दूसरी एक्सिस का यूज किया और दूसरी एक्सिस का यूज करके बॉन्ड बनाया
अब दूसरी एक्सिस जो है ना ये वाली, यहां पर आप चाहो तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन यहां बना सकता है एसपीओ लैब के द्वारा, एक बॉन्ड यहां बना सकता है एसपीओ लैब के द्वारा, एक बॉन्ड यहां बना सकता है, एक बॉन्ड यहां बन सकता है, एक बॉन्ड यहां बन सकता है और एक बॉन्ड यहां बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 के 6 हाइड्रोजन 6 के 6 सर्कल के साथ अपने बॉन्ड बना चुके हैं। बनाया है या नहीं बनाया है? बनाया है सर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां पर एक बॉन्ड होता CH2, मान लो ये एथिलीन मॉलिक्यूल होता तो दिक्कत की बात नहीं थी। एक तो यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, यानी कि कार्बन और कार्बन अपने बीच में बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड तो ये वाला बनना ही बनना है क्योंकि बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड ऐसे होता हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एक कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड तो बनना ही बनना है और वो यहां पर बन गया। अब कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करवानी है और एक एक बॉन्ड को बना देना। बन गया? Yes, sir. बन गया या नहीं बन गया? बन गया। अब यहां पर कार्बन कार्बन के बाद एक बॉन्ड यहां पर चाहो तो हाइड्रोजन वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला, और जेड वाली एक्सिस यूज करके हम चाहें तो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी कंफर्म कर सकते हैं और इसका पी ऑर्बिटल इस वाले में भी यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। यहां पर बॉन्ड वेट करो, यहां पर बॉन्ड इसलिए नहीं बना है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास अभी ऑर्बिटल्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको यहां पर बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। वो यूज कब करेगा? जब उसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हम अलग साइड से एक अलग एक्सिस के साथ ले रहे थे तो हमने यहाँ पर दोनों में ही दो हाइड्रोजन को डाल दिया है और बॉन्ड अलग से फॉर्म हो चुका है। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ बेटा बोलो। ये है ना साइड साइड ओवरलैपिंग है, उसमें ना वन साइड ओवरलैप हो गई, दूसरी साइड में हम लगा सकते हैं, जैसे ये है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं बेटा, होगा ही नहीं, दूसरी साइड पे लगेगा ही नहीं वो। एक साइड में अगर आपने ओवरलैप किया, आप देखो तो डंबल एक बार, आपको मैंने बताया था ना ऐसे करके बेटा, ऐसा तो ना होगा कि ये वाला लग जाएगा और यहाँ पर नहीं आएंगे बॉन्ड। अरे बॉन्ड कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं पता है आपको? यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो दो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग करके, और दो यहाँ पर आ रहे हैं ओवरलैपिंग करके, तो ये ओवरलैपिंग एरिया है बेटा, वो खत्म नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर वाला बनाया नीचे वाला नहीं बना लिया। आप डंबल लगा के तो देखो एक बार, ऐसा होगा ही नहीं। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो कल मैं VSEPR थ्योरी भी बता दूंगा, और VSEPR थ्योरी बताने के बाद फिर पहले बात तो जितना भी बॉन्ड्स है। अच्छा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक बार बता दूं आपको मैं, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यक्स है, मान लो यहां पर यक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है पी की और ये जेड एक्सिस है। अच्छा ये पी वाई होगा, ये पी वाई होगा, ये पी जेड होगा, ये पी जेड होगा, ये पी एक्स होगा और ये पी एक्स होगा, होगा या नहीं होगा? यस यस। तो क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यक्स पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यक्स पे क्या यस और पी वाई बॉन्ड बन सकता है? नो सर। बेटा क्योंकि पी वाई एक्सिस जो है यहां पर है और यहां पर है, यहां पर यस पी वाई बॉन्ड जो बनेगा वो वाई एक्सिस से बनेगा, ना कि यक्स एक्सिस पे। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या जेड एक्सिस पे यस और पी जेड बॉन्ड, यस और पी एक्स बॉन्ड बन सकता है? तो नहीं बन सकता है क्योंकि जेड एक्सिस के पास यस और पी जेड होते हैं, तो वो यस और पी एक्स बॉन्ड वहां पर नहीं होगा, यक्स जो है वो यक्स एक्सिस पे लाई करता है। चलो मैं कल क्वेश्चन बता दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। आज कोई दिक्कत तो नहीं है लेक्चर में? नो सर। सर जो आपने साइड साइड ओवरलैपिंग बताई है ना, इसके अंदर दो बॉन्ड बन रहे हैं? बेटा दो बॉन्ड क्यों नहीं बनेंगे, आप एक बार देखो डंबल को, यहां पर देखो
एक तो ये हो गया, एक हो गया ये। ओवरलैपिंग क्या होती है पता है? यही पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन आकर के दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं साइड टू साइड, एरिया कम होता है इसलिए इसको हम पाई बोलते हैं, या साइड टू साइड से दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहां पर एक ओवरलैपिंग हो जाती है और इसी ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं साइड टू साइड। ये जो आप दूर दूर देख रहे हो ना ऐसे करके एक लाइन दिखाया है, ड्रॉ किया है बेटा, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको स्ट्रक्चर में घुसेड़ के बता पाऊं। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था कि ये इसके साथ आ करके ये बन पाए बगल में तस ऊपर है, क्योंकि फिर इसको बहुत ज्यादा अंदर ले जाना पड़ता और फिर ये आपको स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता। क्या कोई दिक्कत रही नो सर, बेटा? आई थिंक मैंने बता दिया है एक्सिस के बारे में, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में। आपको कल मैं VSEPR3 बताऊंगा, प्लीज राइट डाउन VSEPR3 और मुझे याद दिला देना। अगर आज क्लास होती है शाम को तो आज शाम को ही VSEPR3 बता दूंगा, और कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आगे चीजें बताऊंगा, ठीक है? अब ठीक है, फिर स्टॉप करूं? यस सर। ओके।